के मंच से मैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मेरा नमस्कार। गृह स्वामिनी और उसकी बुद्धि श्रीमती अर्पणा संत सिंह जिस तरह सामाजिक सरोकारों से काम कर रहे हैं इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूँ और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हमेशा गृह स्वामिनी के साथ हैं। एक बार फिर इस प्रतिष्ठित मंच को मैं नमन करती हूँ और मैं आप सब विकट परिस्थिति के बारे में जो हम सामने पिछले से ज़्यादा से है उसके बारे में मैं आपसे बातें करूँगी कि किस प्रकार हम किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। मेरा मानसिक स्वास्थ्य और COVID-19 जब बात करते हैं तो हमेशा मन ऐसा है कि हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ चाहिए जिससे हम एक दिन प्रतिदिन के काम के प्रति हमें पता हो कि हमें क्या करना है, कितना एक्टिव रहना है। तो ये हमारी वृत्ति है, ये मानव मन की सहज मनोवृत्ति है कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं एक हमें पता हो भविष्य कैसा है, हमें किस ओर अटेम्प्ट्स करते रहने हैं, कहाँ कितना स्ट्रगल करना है। ये हमें अगर पता हो तो बहुत कुछ जाता है और हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमारा मन उस ओर निश्चिंत रहता है कि हमें इतनी मेहनत करनी है, इस तरह से लाइफ जीना है। मतलब स्ट्रक्चर्ड लाइफ हमेशा एक सहजता देता है, एक स्थिरता देता है मन को। लेकिन इस साल की शुरुआत ही ऐसी हुई जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। सारे हमारे सारे जीवन को, जीवन के हर पहलू को बदल कर रख दिया। ये जो अनिश्चितता है जहां हमें नहीं पता कि हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है, ये जो अनिश्चितता की स्थिति है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर्ड लाइफ छिन्न भिन्न हो गया है, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे मानसिक तनाव का, मानसिक विषाद का, फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का। क्योंकि ये जो असुरक्षा की भावना है इसके पीछे कारण ये है कि हमें पता नहीं कि आगे आने वाला भविष्य कैसा है, क्या होने वाला है, ये हमें मालूम नहीं है। तो ये असल कारण है हमारी मानसिक व्याधियों का, परेशानियों का। क्योंकि हम अचानक ही ऐसा मानो हमें बीच समुद्र में फेंक दिया गया है और हम हाथ पांव मार रहे हैं कि किस तरह बाहर निकले, क्या करें। तो यही परिस्थिति है कारण हम कोविड जैसे मानसिक बीमारी से परेशान हैं, ग्रस्त हैं। अगर हम देखें मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ उसके पहले भी एक आशंका थी और हम असमंजस की स्थिति में थे कि ये किस तरह की बीमारी है, इससे क्या होने वाला है और शायद हम लोगों पे उतना असर ना पड़े, हम भारतवासी इससे बस जाएं। तो ये जो स्थिति है ये हमारे लिए काफी कष्टदायक स्थिति हो गई है कि कैसे हम बचे और क्या होने वाला है।
ऐसा नहीं है कि पहले बीमारियां नहीं थी, बहुत सारी जानलेवा बीमारियां हैं, उससे लोगों की मृत्यु होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है, सबसे पहले तो किसी को पता नहीं कि ये है क्या और इसका इलाज क्या है, कहाँ जाएं। असमंजस की स्थिति में हम लोग थे कि ये होने क्या वाला है, इससे सीधे मृत्यु ही होगी या बचने का भी कोई उपाय है। डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे कि क्या करना है। तो ये जो असुरक्षा की भावना थी, सबसे पहले इसने आहत किया, मन को डैमेज किया। उसके बाद जो दूसरी परिस्थिति है, अन्य बीमारियों में अपने लोग साथ में हैं, पास में हैं, सेवा करने के लिए, देख रेख करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, लेकिन इस बीमारी का सबसे बड़ा जो त्रासद हिस्सा है, जो कष्टदायक हिस्सा है, कि अपनों पहले दूर कर दिया जाता है, एक आइसोलेशन में अपनी ओर, अपने से दूर करके कहीं अकेले में रहना, ये अपने आप में एक, खास करके बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, वो इस परिस्थिति के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं हो पाते हैं कि उन्हें इस ट्रॉमा से गुजरना है। तो जितना शारीरिक कष्ट है, उससे कहीं ज्यादा ये मानसिक व्याधि है। और एक और बहुत कष्टदायक हिस्सा है कि अगर किसी के घर में ये बीमारी आ गई है, या पता चल गया है कि कोई पॉजिटिव है, कोई कोविड पॉजिटिव इस घर में है, तो एक तरह से सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। हमने खुद देखा है किसी भी अपार्टमेंट में अगर जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले हैं वो भी नहीं आते, उनके दरवाजे तक कोई नहीं जाता, वो अंदर किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं वो किसी को पता नहीं होता। तो कम से कम ये जो स्थिति है, इससे बचाव का हम लोगों को कुछ उपाय करना चाहिए। और ये परिस्थिति ही ऐसी है जिसके कारण बहुत मेंटल तनाव, मानसिक अवस्था लोगों की खराब हो जा रही है, क्योंकि ये असुरक्षा की भावना, ये एक ऐसा फियर ला रहा है जिससे, और भविष्य की अनिश्चितता, ये जो डर है, ये एक फोबिया का रूप धारण कर लेता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा। अगर आप आंकड़े देखें तो जितना जितना सुइसाइड हुआ है, जितनी आत्महत्याएं इस दौरान हुई हैं, बीमारी से मौत एक अलग चीज है, लेकिन आत्महत्या जितनी हुई है इस दौरान, ये शायद पहले नहीं हुई थी। और ये हर एज ग्रुप का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लोग ही आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे, यंग लोग, बुजुर्ग, सभी के आंकड़े अगर देखें तो बहुत कष्टदायक, बहुत तकलीफदेह ये स्थिति है। हमें, जब हम अंधेरे में चलते हैं तो हमें क्यों डर लगता है? जब भी हम किसी अंधेरी जगह में जाते हैं, बच्चे हों या हम लोग हों, तो क्यों डर लगता है? सिर्फ इसलिए कि हमें पता नहीं, दिखता नहीं है कि आगे क्या है। वो अननोन का, जो फियर ऑफ अननोन है, ये सबसे अधिक कष्टदायक स्थिति की। बच्चों ने क्या झेला है या क्या बदलाव आए हैं बच्चों में, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या बदलाव आए हैं इसमें, ये जानना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय उनका है। कहीं ऐसा ना हो कि इस परिस्थिति से उनका भविष्य ही अंधकारमय हो जाए, वो समझ ही नहीं पाए कि आगे उन्हें करना क्या है, कैसे वो इस परिस्थिति को डील करे। तो इसमें सबसे अधिक प्रयासरत रहना है अगर किसी को, तो वो है पेरेंट्स, घर में जो लोग हैं, पेरेंट्स और टीचर्स, क्योंकि ये टाइम है वर्चुअल पढ़ाई की, वर्चुअल क्लासेस की, वर्चुअल एग्जामिनेशन की। ये बात सही है कि टीचर्स को बहुत कष्ट हो रहा है, ये हम लोग दिन प्रतिदिन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत उन लोगों का प्रयास
100% प्रयास डालने पे भी शायद बच्चों तक वो 50% ही पहुंच पा रहा है। तो ये जो परिस्थिति है, बच्चे किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये हम लोगों को समझना जरूरी है और कोशिश करना है कि हम क्या करें, क्या करें कि हमारे बच्चे इस परिस्थिति में, हालांकि बच्चों में एडेप्टेबिलिटी वो हम लोगों से ज्यादा होती है, तो क्या करें कि बच्चे उस परिस्थिति से निकलने में सक्षम हो या इस परिस्थिति से अच्छी तरह कोप अप कर पाए। तो बच्चों में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समस्याएं क्या है। समस्या वही है कि एक अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ स्टाइल उन्हें लीड करना पड़ रहा है। पहले जो एक टाइम टेबल था, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ स्टाइल था, वो वातावरण जो होता था वो उन्हें स्टिमुलेट करते थे। स्कूल जाना है, फ्रेंड्स से मिलना है, टीचर से मिलना है, होम खेलना भी है, टिफिन है, साथ में शेयर करना है, तो ये सारी चीजें अचानक ही एब्रप्टली उनकी लाइफ में चेंज हो गई। वो घर में बिल्कुल आइसोलेटेड बंद हो गए एक तरह से, और घर में अभी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स तो होते नहीं है, एक या दो बच्चे हैं, वो सारे सबसे अलग होकर अचानक ही वो एक जगह बंद हो गए। तो ये जो परिस्थिति आई उससे कोप अप करना बच्चों के लिए, तो उन्हें लगा कि चलो स्कूल से छुट्टी मिली, कुछ अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे वे लोग भी बहुत अपने नॉर्मल लाइफ से डेविएट होने लगे। और अभी के टाइम में जैसा मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि बच्चों में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं के दौरान, इस परिस्थिति वर्ष, जिसे आने वाले समय में उस उनकी लाइफ को फिर से उस धरे पे लाना, जो जिसे आजकल हम लोग न्यू नॉर्मल कहते हैं, कि एक नए तरीके से लाइफ को धरे पे लाना, ये बहुत कठिन होने वाला है। इसके लिए हमें तैयार होना होगा। सबसे पहले तो ये जो लैक ऑफ रूटीन है उससे कैसे हम कोप अप करें। तो ज्यादातर स्कूल तो क्लास वर्चुअल क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल फॉर्म है, गूगल क्लासरूम है, हर टीचर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों को इन्वॉल्व रखिए। आप अगर पेरेंट्स उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो बच्चे भी नहीं लेंगे, तो बच्चों को भी अपना पेरेंट्स को भी अपना टाइम टेबल इस तरह से रखना चाहिए कि बच्चों का क्लास हैम्पर नहीं हो, मौजूद रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं है, इस तरह का अगर आप मौजूद रहेंगे साथ में तो बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा बहुत बुरी चीजें। जैसे पहले हम लोगों के बच्चे अगर मोबाइल लेकर स्कूल आते थे तो हम लोग उस मोबाइल को जब्त कर लेते थे, बच्चों को पनिशमेंट देते थे, लेकिन आज के टाइम में मोबाइल ही लाइफलाइन बन गया है, वो बच्चों के हाथ में लगातार मोबाइल है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है वो ये है कि बच्चे ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं सोशल मीडिया, उन्हें सब पता है, ये ओवर एक्सपोजर उनके लिए ऐसा होता है कि वो जो ओवर एक्सपोजर है, जो बच्चों की जानकारी जो उनके लेकर के उस ओर भी जा रहे हैं, और एक बहुत नेगेटिव वातावरण तैयार कर रहा है ये ओवर एक्सपोजर जो है सोशल मीडिया का। तो इसके पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि बच्चे मोबाइल लेकर क्या कर रहे हैं। तो क्लास के नाम पे बच्चे मोबाइल लेकर बैठे तो हैं लेकिन कर क्या रहे हैं, और अगर वो बहुत सारे साइट्स पे जा रहे हैं देख रहे हैं, आप थोड़ा नजर रखिए, थोड़ा गाइड कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस एक्सपोजर का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है
कि बच्चों को सोसाइटी में हो रहे वायलेंस, सुसाइड, डेथ, ये सारी चीज बच्चे बहुत आसानी से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको क्योंकि उनके पास बाहर जाने का कोई साधन नहीं है, वो जा नहीं सकते हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको कॉपी कर रहे हैं। तो कभी भी आप बच्चों को मोबाइल देकर पूरे टाइम छोड़िए मत। आप देखिए कि कहीं वो कोई वैसा साइट तो नहीं देख रहा है जिसमें बहुत वायलेंस है, बहुत नेगेटिविटी है, सुसाइडल है, डिप्रेशन है, इस तरह के साइट्स अगर बच्चे नहीं देखें तो अच्छा है। उसके अलावा ये जो वर्चुअल क्लासेस हैं जो हम लोग डे टू डे में फेस कर रहे हैं, जो जितने भी टीचर्स हैं, ये वर्चुअल क्लासेस ठीक है, हम लोग नॉलेज देने का काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है इंटरैक्टिव उसको बनना, फिर भी वो एक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, एक आसपास, अपने आसपास रहने की बात, उसकी बराबर ये वर्चुअल क्लास भी नहीं कर सकता। और को पता है कि हम एक लिमिटेड तरीके से ही उन तक सकते हैं, ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस में आए हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन इंडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज बच्चे कर रहे हैं, कभी बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कभी ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन हो जा रहे हैं, कभी चीजें भी हो रही है। तो ये जो इनडिसिप्लिन है वर्चुअल क्लासेस के कारण, ये जो टीचर्स का की पहुंच से बाहर हैं बच्चे, स्थिति है कोशिश करनी चाहिए। और छाया एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही है कि बच्चों को मोबाइल से कैसे स्कूल के बाद दूर कर सकेंगे। सच में ये बहुत समस्या आने वाली, उसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है, लेकिन इसका एक उपाय ये जरूर है कि हम बच्चों को दूसरी क्रिएटिविटी वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें, दूसरी किसी भी तरह की चीज में जो इंटरेस्ट है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व रखें। अच्छी चीज हो सकती है कि अगर हम बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेवारियां दें उनकी उम्र अनुसार, जैसे किचन में आज क्या खाना बनेगा ये बच्चे डिसाइड करेंगे, या घर की क्लीनिंग, कुछ अगर ठीक से सजाना है या रखना है, तो बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेवारियां दें। इससे क्या होगा कि बच्चों का सिर्फ मोबाइल से ध्यान हट करके और एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी कि कैसे हम बच्चों हम और भी समाज में काम कर सकते हैं, और हमारी ये ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को भी समझाना जरूरी है कि पेरेंट्स के प्रति उनकी क्या जिम्मेवारी है, ये समझाना भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा पेरेंटल एंजाइटी से भी बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, जहां पेरेंट्स हमेशा बात कर रहे हैं कोविड से ऐसे बचना, लोग बीमार हैं, इतनी समस्याएं हैं, तो ये जो पेरेंटल एंग्जायटी है वो इनडायरेक्टली बच्चों तक पहुंच रही है, और कहीं ना कहीं बच्चों में इनसिक्योरिटी आ रही है क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, उनका करियर क्या होने वाला है, खास करके जो बच्चे 11-12 में हैं, कॉलेज में हैं, तो वो पेरेंटल एंग्जायटी या सोसाइटी एंग्जायटी से बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और उन्हें भी अपना भविष्य बहुत असुरक्षित लग रहा है, समझ आ रहा है कि आने वाला समय कैसा है। तो ये सुरक्षा की भावना भी बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत मेंटल ट्रॉमा में रही है, और बच्चे हमेशा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं, कहीं
कई बार बच्चे कॉल करके पूछते हैं या अपने पेरेंट्स से पूछते रहते हैं कि कब स्कूल खुलेगा, कब हम लोग पहले जैसा खेलने जाएंगे, बच्चों के साथ कब मिलेंगे जुलेंगे। तो ये जो एक उन लोगों का का जो धैर्य है, पेशेंस है, वो कभी कभी लगता है कि खत्म होने वाला है। वो लोग अब इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कब हम पहले जैसी लाइफ में जा सके। उसके अलावा एक जो फिजिकल समस्या आ रही है बच्चों के साथ, वो है ओबेसिटी की। क्योंकि घर में है बच्चे, पहले कुछ बाहर से मंगा कर भी कभी खा लिया, बिस्किट है या चिप्स है, तो वो बहुत कम हो गया है अब। तो पेरेंट्स के साथ के पास उनके लिए और कुछ नहीं है, एक डिमांड कि अभी मैगी खाना है तो अभी ये खाना है। एक टाइम पास के लिए भी कई बार बच्चे मांगते रहते हैं पेरेंट्स से। और ओबेसिटी की समस्या भी अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्सरसाइज करने को है नहीं, फिजिकल ज्यादा कुछ है नहीं, घर में के कितना कुछ करेगा बच्चा, खेल सकता नहीं है। तो इसके लिए भी पेरेंट्स को ये जरूर करना चाहिए कि न्यूट्रिशियस डाइट, वो बच्चों को खाने की आदत लगाए, वैसी चीजें दें जिससे बच्चे मोटे नहीं हो बल्कि उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके। तो बच्चों को मोबाइल का, राजेश जी, बहुत अच्छा, उचित उपयोग, तो ये उचित उपयोग भी संभव है जब हम उचित उपयोग करेंगे। अगर पेरेंट्स ही, मम्मी लगातार मोबाइल लेकर के बैठी हुई है या पापा लगातार मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठे हुए, तो वो बच्चा बेचारा क्या करेगा। उसे जरूर उसी को फॉलो करेगा, वो भी मोबाइल लेकर के ही बैठा रहेगा। तो इसलिए बच्चों के सामने घर का वातावरण नॉर्मल रखें, बातें ही करें बच्चों से। पूछ सकते हैं, आप पूछिए, मैं देख रही हूँ, मैं उसका जवाब दूंगी। तब तक मैं एक और बात बता दूं कि ठीक है, अंधकारमय समय है, लेकिन इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग्स भी हैं, कुछ अवसर भी हैं कि हम कैसे क्योंकि दिन प्रतिदिन के समय में हम लोग बच्चों से क्लोज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि तकलीफ को समझ नहीं पाते, एक रूटीन लाइफ रहता है, सब लोग बिजी रहते हैं। लेकिन अभी ये मौका है कि हम बच्चों से एक प्रॉपर रैपो स्थापित कर सके, एक संवाद स्थापित कर सके। छोटे बच्चे हैं तो उनसे गप करके, कहानियां सुना करके, पास में बैठ करके, हम साथ में हमेशा डाइनिंग टेबल पे गप करके, तो इस तरह से हम एक बहुत अच्छा संवाद की स्थिति बच्चों से हम कायम कर सकते हैं, ये हमें मौका मिला है। और दूसरा कि एक बच्चों में फैमिली कंसर्न जो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, कि पेरेंट्स भी उनकी जिम्मेवारी है, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो ये फैमिली कंसर्न भी हम बच्चों में धीरे धीरे ये साथ में रह करके डाल सकते हैं। और साथ ही को हम योग योग सिखा सकते हैं, मेडिटेशन सिखा सकते हैं, आध्यात्मिक रुचि जागृत कर सकते हैं कि कैसे बच्चों में आध्यात्मिक रुचि जागृत हो, ये भी हम कर सकते हैं। कभी शाम में भजन लगा करके या फिर अध्यात्म की बातें करके, उस तरह की इंटरेस्टिंग बातें करके हम ये रुचि उनमें जगा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एल्डर्स में अभी मैं देख रही हूँ कि जितने भी बुजुर्ग हैं, 70-75 साल के या उससे ऊपर के लोग, इन लोगों में एक इनसिक्योरिटी बहुत आ गई है, क्योंकि इतना प्रचार हो रहा है कि बुजुर्ग हाई रिस्क है, ये हाई रिस्क पे हैं, उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी की भावना है। तो कभी भी अपने बुजुर्गों को ऐसे माहौल में छोड़िए मत, उनसे फोन से वीडियो कॉल करके बातें करते रहिए। और कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बीमारी की या सुरक्षा की ही बात की जाए,
इधर उधर की भी बातें की जा सकती है, उनसे उनके अनुभव पूछे जा सकते हैं, वो कैसे रह रहे हैं, कुछ हंसी खुशी की बातें की जा सकती हैं। तो इस तरह अपने बुजुर्गों को भी आइसोलेटेड मत होने दीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि बीमारी तो है अपनी जगह, वो आने पर उसका जो उचित समाधान है वो करना होगा, किया जाएगा, लेकिन मन से उन्हें विरह मत होने दीजिए, मन से उन्हें अकेला मत होने दीजिए। जितने भी बुजुर्ग हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स ही हो सकता है कि कोई आस पड़ोस के हों, उन्हें फोन कॉल करके उनका हाल चाल लीजिए, इधर उधर की बातें कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत अंदर से इनसिक्योर्ड हो गया है, बहुत परेशान है हमारे बुजुर्ग। तो उनकी भी सुध लेना जरूरी है, उनके भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ उन्हें व्हाट्सएप वीडियो भेज दीजिए या कुछ स्टोरीज भेज दीजिए, जिससे उन्हें लगे कि लोग उनमें भी लगे हुए हैं, उनसे कंसर्न है। तो ये हुई बुजुर्गों की बात। अब महिलाओं की बात, महिलाओं का भी एकदम रूटीन टाइम टेबल हो गया है कि कहीं बाहर नहीं जा सकती, शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती, और घर में ही इतने काम हो गए हैं। तो महिलाओं से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे शौक होंगे, बहुत सारी किताबें आपने रखी होंगी, कि जब समय होगा, जब समय मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी या उस पे ध्यान दूंगी, तो वो कीजिए। अपने हॉबीज को मरने मत दीजिए, उसे उभारिए, गाना सुनिए, अगर इच्छा हो तो गाइए, डांस कीजिए, एक दूसरे से फोन से बात कीजिए, सहेलियों से वीडियो कॉल कीजिए, ग्रुप कॉल कीजिए, ये सारी चीजें आप कर सकती हैं। नवीन सिन्हा जी हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर वरीड अबाउट बिकॉज दे हैव टू अपेयर इन बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, वर्चुअल क्लास इज नॉट गिविंग फुल सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल सही बात है कि वर्चुअल क्लासेस से ना पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, ना बच्चे सेटिस्फाइड है, और ना टीचर सेटिस्फाइड है। ये वर्चुअल क्लासेस कुछ बच्चे जरूर जो खुद ही बहुत प्रयास करते रहते हैं, उन लोगों के वो कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि क्या होगा, जबकि बोर्ड ने सिलेबस काफी कम किए हैं, जो भी बोर्ड है ने लगभग 40% तक सिलेबस कम किए हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन का स्टूडेंट है, उनका सिलेबस कम कर दिया जाए तो वो सिलेबस कम करके भी क्या फायदा है, उन्हें आगे अगर कॉम्पिटिशन्स देने हैं तो उन्हें तो वो कवर करना ही है। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगी बच्चों को कि जितना हो सके वर्चुअल क्लासेस जो है उसे ध्यान से अटेंड करें, और अगर उनकी जो भी क्वेरीज हैं वो जरूर अपने टीचर्स तक भेजें, या तो पर्सनली या फिर ग्रुप में ही, जैसे भी हो, वो इंटरेक्शन कायम रहना चाहिए। और जहां भी समझ में नहीं आ रहा हो उसे अंडरलाइन करके या तो खुद समझने की कोशिश करें, नेट पे सर्च करें, या फिर अपने टीचर से जरूर इंटरेक्शन रखें कि कैसे उसको कोप अप किया जा सके। तो ये मेरा बच्चों से कठिन समय है, बच्चों के लिए भी बहुत कठिन समय है, खास करके जिन्हें अभी अपने करियर बिल्डिंग का समय है, जिनका जो बच्चे 11th 12th में है, 9th 10th में है, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल का समय है, लेकिन फिर भी उसी में कोप अप करना है। और एक और मैं सलाह देना चाहूंगी बच्चों को कि आप अपनी जानकारियां, क्योंकि आप लोग एक्सपोज्ड हैं, आप जानते हैं कि हम कैसे और जानकारियां हासिल कर सकें, जैसे अगर किसी को इंजीनियरिंग का कंपटीशन देना है, या किसी को मेडिकल का कंपटीशन देना है, या फिर किसी को मैनेजमेंट में जाना है, किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो उसकी जानकारी वो लगातार उस टच में रहें, उस वेबसाइट पर जाकर उसको जरूर नोट डाउन करते रहें कि क्या उन्हें भविष्य में करना है और उसके लिए उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या तैयारियां उन्हें करनी चाहिए, इसके लिए उन्हें जरूर प्रयासरत रहना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सारा चीज वर्चुअल हो गया है,
ऑनलाइन क्लासेस ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं। नहीं, आप जितना क्लास के समय मेहनत करते थे या जितना इन्वॉल्व थे अपने स्टडीज में, उससे कहीं ज्यादा अभी इन्वॉल्व होने की जरूरत है। और अपने करियर प्लान के अनुसार आप उस जानकारी को जरूर इकट्ठा करते रहें। और जो भी जानकार व्यक्ति हैं, अगर आप वेबसाइट पे जानकारी इकट्ठी कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उससे जानकार व्यक्ति जो भी हैं, जो भी प्रोफेसर हैं या टीचर्स हैं उस एरिया के, उस फील्ड के, उससे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप जानकारियां लीजिए कि किसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है, किस इंस्टीट्यूट में जाना ठीक रहेगा, उसके लिए कट ऑफ मार्क्स कितना है, कैसी पढ़ाई करनी है, कैसा कॉम्पिटिशन है, ये सारी जानकारियां आप इकट्ठी करते रहिए, क्योंकि तभी आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। और आने वाला समय निश्चय ही बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें बदलाव होगा ही। जो आजकल एक टर्म आया है न्यू नॉर्मल, तो ये न्यू नॉर्मल की स्थिति में ही जाने को हमें तैयार रहना होगा कि ठीक है, जैसे कि फिजिकली अगर देखें तो मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, हैंड वॉश जरूरी है, उसी तरह मन को भी हमें न्यू नॉर्मल की तरफ ले जाना होगा। हमें ये मान कर चलना होगा कि परिस्थितियां बिल्कुल पहले जैसी नहीं होंगी, कुछ तो जरूर पॉजिटिव हो रहा है, होगा आगे, खास करके हम सब इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी परिस्थितियां कुछ ना कुछ तो चेंज होंगी। तो इस न्यू नॉर्मल के लिए तैयार रहना है और हमें उसकी तैयारी करती रहनी है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है इस न्यू नॉर्मल के लिए। हमें जानकारियां इकट्ठी करती रहनी है क्योंकि हमारे बच्चे बहुत एक्सपोज्ड हैं, सब कुछ जानते हैं, हम लोग से ज्यादा जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत एडेप्टेबल हैं, हर परिस्थिति को अडॉप्ट करने में सक्षम है। तो इस तरह उन्हें भी खुद को ट्रेंड करना है कि कैसे हम खुद उन जानकारियों को इकट्ठी करते रहें, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी ना फेस करें। और अगर अगर हम मेंटल व्याधियों की बात करते हैं तो डिप्रेशन बहुत कॉमन है अभी। मैं तो कहूंगी कि इन सबसे निकलने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप जिस उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, एडोलेसेंट हैं, या हमारे आसपास बच्चे हैं, क्यों ना हम योग की ओर, आध्यात्म की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि ये हमारी प्राचीन काल से ये हमारे देश की परंपरा है। तो हमें ये एक मौका मिला है आत्मचिंतन का, क्यों नहीं हम अपने इनवर्ड्स जाएं, बच्चों को सिखाएं एक मेडिटेशन का क्लास, मेडिटेशन हमेशा रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आत्मचिंतन है, ये खुद को देखने की प्रक्रिया है। और ये जो परिस्थिति आई है COVID-19 के बाद, इसने ये तो प्रूव कर ही दिया कि हमने जीवन में जिस चीज को बहुत इम्पोर्टेंट समझा था, दरअसल वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। पद, प्रतिष्ठा, बहुत पैसा या कुछ भी जिसके पीछे हम भाग रहे थे, दरअसल वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस बीमारी ने ये भी साबित कर दिया कि अमीर हो, गरीब हो, या बहुत ऊंचे क्लास का आदमी हो, सेलिब्रिटी हो, ये सबको बराबर से इफेक्ट कर रहा है। और साथ ही इसने ये भी प्रूव कर दिया कि हम लोग बहुत मिनिमम अपनी जरूरतों के साथ भी बहुत अच्छे से जीवित रह सकते हैं। तो ये जो मौका मिला है, क्यों नहीं हम आध्यात्म की ओर जाएं, क्यों नहीं हम अपने मन को इतना स्ट्रोंग करें, ये जो हम मानसिक विकारों की बात करते हैं वो हमें टच नहीं कर पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आत्मचिंतन करें, क्या जरूरी है हमारे लिए, क्या हमारी खुशी के लिए आवश्यक है, हम उस पे क्यों ना फोकस करें, क्यों नहीं हम योग करें, क्यों जरूर मेडिटेशन करें, आत्मचिंतन करें, खुद की ओर देखें, दूसरों को भी मोटिवेट करें कि हमारा
हमारी आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं, हमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। इसी में खुशी है, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, हमें आसपास के बारे में, दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। हमारा संवेदनशील मन ही हमें डिप्रेशन से निकाल सकता है, हमारे अनावश्यक फियर से, फोबिया से हमें बाहर कर सकता है, हमें तनाव मुक्त कर सकता है। तनाव मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है अगर हम संतुष्ट होना सीख जाए, अगर हम अंधी की शामिल होना बंद कर दें, जो हमारी खुशी है हम उस पे फोकस करें। दरअसल हम क्या चाहते हैं, मुझे प्रतिष्ठा के कारण के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारी क्या मिनिमम आवश्यकताएं हैं, हमारे बच्चे किस चीज में खुशी महसूस करते हैं, क्यों ना हम उस ओर जाएं, क्यों नहीं हम ऐसा कुछ करें कि हम सब बहुत कम आवश्यकताओं में भी बहुत खुश रहना सीख जाए। जिससे जब हमारा, अभी तो स्कूल खुलने वाले हैं, देखिए कैसी परिस्थिति होती है उसके बाद, अभी तो हायर क्लास के बच्चे आने वाले हैं क्लासेस में, तो ठीक है हम लोग धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं नॉर्मल की ओर, लेकिन फिर भी हमें मन से और स्ट्रांग होने की जरूरत है। रौनक पूछ रही है, हाउ कैन अ टीचर बी मेंटली हेल्दी और कोप अप इन दिस सिचुएशन। यस, टीचर्स के लिए भी ये बहुत कठिनाई का समय है जो हमारी टीचर्स और हम लोग रोज फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो घर के की जिम्मेवारियां तो है ही, अपने बच्चे भी हैं, लेकिन साथ ही हमारा क्लास, हमारा स्कूल, उसकी जिम्मेवारियां भी हैं, और हमें एक एक बच्चे तक पहुंचना है। हम एक एक बच्चे तक चाहते हैं कि पहुंचकर उन्हें वैसे ही समझाएं, सब कुछ उतना दे पाए जितना हम क्लास में दे रहे थे, जो कि बहुत कठिन है। टीचर्स बहुत मेहनत कर रही हैं, तो टीचर्स के लिए भी मेरा यही सलाह है कि अपने रूटीन को वो ऐसा रखें कि उसमें हर चीज का समावेश हो, वो अपने बच्चों को भी देख सके, अपने क्लास का समय भी वो निर्धारित करके उसमें सही तरीके से क्लास ले सके, और उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। यदि हम किसी भी चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं तो वो हमारे लिए कठिन नहीं होता है, वो हमें स्ट्रेंथ देता है। तो हमेशा जो हम करने वाले हैं, अगले अगले क्लास में जो करने वाले हैं या अगले एग्जाम में जो करने वाले हैं, अगर हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं तो हमें उतना मानसिक तनाव नहीं होगा। यही सेम चीज राजेश रघुवंशी जी भी बता रहे हैं कि शिक्षक भी इस दौर में बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सही बात है, हम सब बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे सामने नहीं है, हमें किसी तरह उन तक अपनी बात पहुंचानी है, उन्हें समझाना है। तो ये जो शिक्षकों की बेबसी है कि हम कैसे उन तक समझा पाए, उन्हें कैसे सारे सिलेबस को एक्सप्लेन कर पाए, ये कठिन समय है टीचर्स के लिए भी, लेकिन उनके लिए भी मेरा वही सलाह है कि अपने लिए भी समय निकालें, अपने हॉबी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, जो उन्होंने पेंडिंग कर रखा है कि इसे पढ़ना है, या मुझे गार्डनिंग करनी थी टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर फैशन डिजाइनिंग करना था, कुछ भी, गाना सुनना था, तो उसके लिए भी जरूर अपने लिए समय रखें, अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी समय रखें। उन्हें जरूरी है थोड़ा मेडिटेशन, योग, सिंपल एक्सरसाइज, आत्मचिंतन, थोड़ी देर शांति से एक जगह बैठ के सोचें कि हम क्या और कर सकते हैं, सोसाइटी को हम और क्या दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षक, इनका मेन मकसद होता है आने वाले जेनरेशंस को देना, कैसे हम उन्हें सक्षम बनाएं भविष्य के जीवन के लिए। तो ये उनके लिए भी जरूरी है कि वो पहले खुद मेंटली स्ट्रांग हो, खुद सक्षम हो, तभी तो वो आगे आने वाले जेनरेशन को संभाल पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि उन्हें खुद भी इस परिस्थिति से निकलने का रास्ता देखना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, और जैसे जैसे परिस्थितियां आएंगी, जैसी परिस्थिति का सामना करना है भविष्य में, उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर्ड रखना होगा। क्योंकि ये भी मुझे पता है कि जैसे ही स्कूल नॉर्मल की ओर बढ़ेगा
और बच्चे इतने दिनों बाद अचानक स्कूल आना शुरू करेंगे, तो उनमें हमें बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे और हमें उससे भी डील करना है, पेरेंट्स को भी डील करना है। तो टीचर्स को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा कि कैसे आने वाली परिस्थिति में, न्यू नॉर्मल स्थिति में, कैसे हम नए तरीके से अपने एक नए अवतार में बच्चों के सामने जाएंगे, जिससे कि बच्चे समझ सकेंगे कि ये आने वाली परिस्थिति, वो बदलाव में धीरे धीरे ढल सकेंगे। तो अभी फिलहाल जो भी स्थिति है उसमें टीचर्स, बच्चे सभी मेहनत कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और टीचर्स का, जो हमारी टीचर्स, मेरे स्कूल की टीचर्स करती हैं, और भी टीचर्स को एक सलाह है कि हमेशा बच्चों को सिर्फ पढ़ाना और एग्जाम लेना, टेस्ट लेना, उससे अलग भी कुछ कुछ छोटी छोटी उन्हें एक्टिविटीज दीजिए। जैसे कि हम बहुत सारे स्कूल्स में देखते हैं बच्चों ने वीडियो बनाया है, और हम लोगों ने भी फैंसी ड्रेस, कभी स्टोरीज टेलिंग, कभी सिंगिंग, इस तरह की चीजें भी रखी है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए। उन लोगों को टॉयज के बारे में भी कभी पूछिए। तो ये सारी चीजें हैं कि बच्चों को आपसे, टीचर्स को जोड़ करके रखेंगी, और हमेशा क्लास एक जैसा नहीं होगा, उसमें थोड़ा बदलाव होगा। तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इनपुट आप बच्चों के लिए जरूर डालते रहिए अपने इसमें। यदि आपको और भी कुछ सवाल हो, कुछ पूछने हो, तो प्लीज जरूर पूछिए। मैं अभी ऑनलाइन हूँ, तो मैं बातें कर रही थी आध्यात्म की। तो ये परिस्थिति ऐसी है कि हम जरूर इस आध्यात्मिक प्रैक्टिस को रिवाइव कर सकते हैं, जो हम दिन प्रतिदिन भाग दौड़ की जिंदगी में नहीं कर पाए थे, वो हम जरूर कर सकते हैं। कैन इट बी पॉसिबल फॉर द टीचर्स टू काउंसिल ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु नीड, बिकॉज टीचर्स हैज टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, एटलीस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु विश। श्योर, नवीन जी ने बहुत अच्छा ये प्रश्न उठाया है, जिसे मैं पहले भी कहना चाह रही थी कि जिस तरह क्लास में हर बच्चे के प्रश्नों का हम लोग समाधान करते हैं, हम हर बच्चे के पर केयर करते हैं, कौन बच्चा कैसा यूनिफॉर्म पहन के आया, कैसे आया, टिफिन लाया कि नहीं लाया, इस तरह की चीजों पे ध्यान रखते हैं, उसी तरह अगर कोई बच्चा पर्सनली किसी टीचर से कुछ भी समाधान ढूंढ रहा है, तो टीचर्स की ये ड्यूटी है और बच्चों के लिए भी ये लाभप्रद रहेगा कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसे कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है या डाउट है, या फिर वो स्पेशल कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता है, तो ये टीचर्स को जरूर ही उसको अटेंड करना चाहिए। और एक सेशन रहना चाहिए, पर्सनल सेशन, जिसमें बच्चे किसी भी पर्टिकुलर टीचर से वो अपन इंटरेक्ट कर सके, चाहे वो गूगल मीट में हो या जूम में हो या फिर इवन व्हाट्सएप पे, कि जिससे कि बच्चे पर्सनली अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। ये हम टीचर्स को या काउंसलर्स को जरूर करना चाहिए। अगर बच्चों की कोई खास समस्या है तो उस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों के पास कोई उपाय नहीं है, वो वन टू वन आपसे बातें नहीं कर सकते। तो इस वर्चुअल क्लास में ऐसा एक टाइम स्लॉट जरूर रखना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी बात जिस पर्टिकुलर टीचर से करना चाहते हैं वो कर सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबों को ये सेशन पसंद आया होगा, और एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब, जितने भी फियर हैं, एंग्जाइटी है, क्योंकि जब इस परिस्थिति से चिंता करके या परेशान हो करके कोई फायदा नहीं, हम लोग तो उससे, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों ना कुछ पॉजिटिव करें, जिससे कि इस परिस्थिति से हम कोप अप भी कर पाए और भविष्य के लिए खुद को तैयार भी कर पाए। तो सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने पसंद का काम, अपनी हॉबीज, अपने जो भी काम पेंडिंग हमने रख छोड़े थे,
भाग दौड़ की जिंदगी से, उसे करें, उसको पूरा करें और खुद में संतुष्ट रहना सीखें। और क्यों ना हम आध्यात्म की ओर जाएं, अपने आत्मचिंतन की ओर जाएं, क्यों ना खुद को पहचानने की कोशिश करें कि दरअसल हम चाहते क्या हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सामाजिक प्रेशर में, दूसरों के प्रेशर में भूल जाते हैं कि मेरी खुद की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या इच्छा है, या हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। हम बस प्रतिष्ठा के कारण उन पे प्रेशर बनाए रखते हैं, या खुद उस प्रतिष्ठा में हम लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं, परेशान रहते हैं। इससे कहीं अच्छा है कि आत्मचिंतन करके हम आध्यात्मिक बने, अपने आप को इतना स्ट्रांग मेंटली बनाएं कि इस तरह की परिस्थितियां हमें परेशान। जी ने पूछा है, महिलाओं के साथ ये दिक्कत आ रही है कि उन्हें आजकल अपने लिए ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए कुछ बताएं। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही कहा कि अपने लिए महिलाओं को समय निकालना, एक तो हमारी आदत नहीं होती कि हम अपने लिए भी कुछ सोचें, लेकिन ये बहुत जरूरी है। न सिर्फ बल्कि मेंटली भी हमें बहुत जरूरत है अपने लिए समय निकालने की। तो इसके लिए जैसा मैंने पहले कहा कि अपना भी एक खुद का टाइम टेबल जरूर रफली निश्चित रखें कि ठीक है, मैं मुझे किचन में इतना देर समय देना है तो मैं दूंगी, या फिर बच्चों के साथ उनकी क्लास में समय देना है तो उसमें दूंगी। लेकिन आप खुद के लिए भी जरूर आत्मचिंतन कीजिए, को किस तरह खुशी मिल सकती है, वो खुशी क्या बाहरी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, या हमें अपने अंदर ही उस खुशी को तलाशना है। क्योंकि अक्सर कैसा ये होता है कि हम एक मृत तृष्णा पाल करके रखते हैं, ये हो जाएगा तो बहुत खुशी हो जाएगी, घर हो जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, हम गाड़ी खरीद लेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो, लेकिन ये हम भागते ही रह जाते हैं। दरअसल खुशी हमारे अंदर है, अंतर चेतना में है। उस अपने खुद को आत्मचिंतन से आप पहचानिए कि आपकी खुशी कहाँ है। आपको जो अच्छा लगता है, जो हॉबी है आपकी, वो उसके लिए जरूर समय निकालिए। वो गार्डनिंग भी हो सकता है, गीत संगीत है, नृत्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रीडिंग हो सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें महिलाएं चाहती हैं कि पढ़ना, लेकिन उनके पास समय नहीं मिल पाता। उसके लिए समय निकालिए, समय निकालिए और खुद को इतना सशक्त कीजिए मन से कि आप दूसरों को प्रेरणा दे सके। दूसरों को भी जो आपके पास आए वो पॉजिटिव वाइब्स आपसे वो ग्रहण कर पाए। उसके लिए जरूरी है कि पहले आप खुद उस वाइब्स को कर, क्योंकि महिलाओं को तो सब कुछ देखना है, खुद को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। तो इसलिए उन वाइब्स की बहुत जरूरत है महिलाओं को। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी हॉबीज, अपने शौक, अपनी जो असल खुशी है, आंतरिक खुशी, उसे जीवित रखिए कि आपको कहाँ अच्छा लग रहा है। और मैं जरूर ये सलाह दूंगी कि कुछ सिंपल एक्सरसाइज जरूर कीजिए, उसके लिए समय निकालिए। और डाइट जैसे सभी को आजकल प्रेस्क्राइब्ड है, वो डाइट जरूर लीजिए खुद भी, क्योंकि डाइट का भी बहुत महत्व है हमारे अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और मेंटल डाइट भी लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, कुछ देर शांत होकर के बैठकर सोचिए कि आप क्या कर रही हैं, कहाँ आपने समय बर्बाद किया, या कहाँ आपने समय का बहुत सदुपयोग किया। उसके लिए खुद को पैटिंग भी कीजिए, खुद को कीजिए कि अरे आज तो मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, मैंने उनसे बातें की, उनका मनोबल बढ़ाया, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। मैंने आज उतने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें की उनसे, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव जरूरत है सोसाइटी को, जो महिलाएं बड़ी आसानी से कर सकती हैं। आपके जितने भी परिचित हैं आप उनसे बातें कीजिए, अगर कोई इस रोग से के कष्ट से जूझ रहा है उससे निकलने में उनकी मदद कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि
जैसे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये भी ठीक हो जाएंगी। कमजोरी है वो भी, आप उससे भी उबर जाइएगा। तो इस तरह मेंटल सपोर्ट देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जो कि सोसाइटी के लिए जरूरी है अभी और आपके लिए भी जरूरी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आज के टाइम में साइकोलॉजी मनोविज्ञान ये कहता है कि डिप्रेशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरे को मेंटल सपोर्ट दीजिए, आप दूसरे की सहायता कीजिए जिसे जरूरत है। वो अगर आप ये कर पाते हैं तो आप खुद ब खुद डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन जो मन है ना, इसका यही टेंडेंसी है। हम लोग भले उसके ऊपर कितनी भी धूल जमा लें, लेकिन आंतरिक टेंडेंसी ये मानव मन की यही है कि हम सबको साथ लेकर चलें, सबके प्रति संवेदनशील रहें। और ये जैसे ही आप दूसरों से मन से कनेक्ट होना शुरू कीजिएगा, दूसरों की खुशी के लिए काम करना शुरू कीजिएगा, दूसरों के लिए सपोर्ट बनिएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको मेंटली फिजिकली हर तरह से बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत आपको सशक्त बनाएगा और किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से निकलने में बहुत आपको सहायता करेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस सेशन में कुछ मनोविज्ञान की बातें सुनी समझी, और ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं, सभी इन सभी बातों को जानते हैं, बस कभी-कभी उसे ब्रश अप करना पड़ता है। तो शायद मैं ये कुछ कर पाई बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, और इवन जो लगातार ऑनलाइन ऑफिस जाने वाले लोग जो लगातार ऑनलाइन लैपटॉप पे बैठे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि कैसे वो इस परिस्थिति से कोप अप करें, क्योंकि उन्हें भी तो आदत है रोज ऑफिस जाने की, कलीग से मिलने की, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल की, तो वो भी इस परिस्थिति में जूझ ही रहे हैं। उन्हें भी ऑनलाइन, जहाँ पे पहले 9 to 5 में काम चल जाता था, अब वो 24 घंटे ऑनलाइन होकर के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी परिस्थिति विकट है। लेकिन इस परिस्थिति से भी निकलना भी हमारा ही काम है, और हम खुद निकल सकते हैं अपने मेंटल स्ट्रेंथ से ही। तो सभी के लिए, उनके लिए भी मेरा यही सलाह है कि अपने लिए समय निकालिए थोड़ा, और थोड़ा चिंतन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम खुशियां बाहर ढूंढते रहते हैं, जो कि एक आई वॉश होती है, लगता है कि वो हो जाएगा बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा बहुत खुश है, लेकिन फिर अंदर से कहीं बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि शांति हमारी खुशियों की चाबी, हमारी पीस, मेंटल शांति की चाबी वो हमारे मन में है, हमारे अंदर है। बस आपको आत्मचिंतन से उसे ढूंढना है, मेडिटेशन से ढूंढना है, और अगर आपको लगता है कि आप कभी भी बहुत मेंटल परेशानी में है, डिप्रेशन में है, तो कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेने से आप बचिए मत, आप रोकिए मत खुद को, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। कई बार हम उस परिस्थिति से निकल नहीं पाते खुद चाह करके भी, तो ऐसे में आपको मनोवैज्ञानिक सलाह, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप जरूर उसमें जाइए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पागलपन की निशानी है। नहीं, ये उसी तरह मानसिक व्याधियां भी है, तो आप जरूर उससे, उसके लिए आप मेंटल सपोर्टर्स की, मेंटल हेल्पर्स की सलाह लीजिए, सपोर्ट लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये आपको बड़ी आसानी से उस परिस्थिति से निकलने में सहायता कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबों का, इतनी देर मुझे सुनने के लिए, इतनी सुंदर, इतने सुंदर कमेंट्स के लिए, और साथ ही प्रश्न
पूछने के लिए। आप सबों को बहुत धन्यवाद, और यदि अगर कोई प्रश्न है तो आप कृपया पूछ लें, और इसके साथ ही मैं आप सबों को, अर्पणा को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन लोगों ने प्रश्न किए, ऑनलाइन जुड़े रहे, उन्हें भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, सुखी रहिए, शांत रहिए, संतुष्ट रहिए, और इस परिस्थिति से अपने को सेफ रखिए, और इससे बाहर, मेंटली इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आप सबों का आभार, धन्यवाद, थैंक यू गृह स्वामिनी, आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।